सर तुझे तेरे को लिखा था होटल में गया चाय पीने, तो चाय का दाम था 5 रुपया। कितना था? 5 रुपया। चाय का दाम था बाबू 5 रुपया। तो चायवा में माछी पड़ल था, मक्खी समझते ना, वही माछी पड़ल था चाय में बाबू। तो देखा बोला कि चाय में 5 रुपया, 5 रुपया का चाय देता है, माछी डाल के देता है। तो चायवा वाला बोल रहा है कि 5 रुपया में माछी नहीं तो कहा हाथी मिलेगा। जवाब दिया कौन? होटल वाला। तो सोचा कि रुको, एकरा ऐसे नहीं है, इसको बड़े तरह सबक सिखाना होगा हमको, कैसे करना होगा से। तो कहा कि दूध है? तो कहा कि हाँ है, तो 1 गिलास दूध दीजिए। ठीक है, तो बोला कि 20 रुपया लगेगा। हम कहे वो आदमी बोला कि वो लड़कावा बोला कि अरे दे रहे 20 रुपया महाराज कहीं के, कौन मारे बड़ी बात है, 20 रुपया लीजिए, 1 गिलास दूध दीजिए हमको। तो दूध का किया, पिया दूधवा, लेकर के दूधवा पी के बोला कि चीनी है? बाद में चीनी है? तो बोला कि हाँ है। तो बोला कि चीनी दीजिए। अब ऐसे चीनी उठा के फाँक गया, और फाँक के ऐसे घोलटे लगा पूरा जमीन में था। अब पूरा घोलटे लगा तो दूधवा वाला जो होटलवा वाला सोचा कैसे ना कि रात में छिपकली उपकली पड़ल होगा दूधवा में, एक अखनी पड़ल होगा, कुछ जहर बन गया होगा, इचड़ा पिया बस ऐसे क्या कर रहा है, घोलट रहा है, मर जाएगा, पुलिस उलिस आएगा पकड़ के हमको ले जाएगा, बेकार है, इसलिए सब दूधवे बहा दिया कि धो मान दिया सब बर्तन था से। ठीक है, अब पूरा घोलट के 2 मिनट के बाद घोलट के ढका रहा हो, ठीक है, पूरा पूरा ढकार मार के उठ रहा है। तो होटल में पूछा कि अरे यार अभी तोर चलते बताओ, हम पूरा दूध बहा दिया, हमको लगा कि हमारे दूध में कुछ बहुत ही छिपकी के लिए रात में पड़ गया होगा, क्या हो गया था तोरा? तो बोला कि पहले दूध दिया, बोला कि हाँ, बाद में चीनी दिया, बोला कि हाँ, तो घोलट घोलट के मिला रहे थे दोनों अलग अलग ने था, तो वही घोलट के क्या कर रहे थे, मिला रहे थे। तोर कोई साड़ू नहीं है को, देखो तोर साड़ू है को, उसको वहू टकला है तू टकला है, वहू टोपी पहले तू टोपी पहले साड़ू ना भरे साड़ू जानता ना किसको कहते हैं? साड़ू का परिभाषा होता है, देखिए अगर ये माँ है, ये माता पिता है, तो इसी इसी का दो बेटी है ये ना जी, इसी का दो बेटी है, तो एक से पहले का शादी किया है दूसरा का, तो साड़ू के परिभाषा हुआ कि एक ही कंपनी के द्वारा दो ठगे गए ग्राहक को साड़ू कहते हैं। अगर ऐसे कंपनी कई बार एक और कई ग्राहक ठगा गया, दो ग्राहक, तो एक ही कंपनी के द्वारा दो ठगे गए ग्राहक को साड़ू कहते हैं बाबू। क्लास में दुए गो लड़का चुपचाप रहता है बाबू, क्लास में दुए गो लड़का चुपचाप रहता है, या तो जिसको सब बुझाता है या कुछ बुझाई भी नहीं करता है। अगर ऐसे अब आप लोगों को तो हमारा पता चल रहा है कितना बुझाता है ऐसे, इसलिए कुछ पूछा कीजिए। ठीक है, पूछा कीजिए तो हमको भी लगेगा कि नहीं कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि बताए हैं इश्क जब एक तरफ से होता है तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ से होता है तो मजा देता है। ठीक है, बोला कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को कोई तकलीफ होता है तो बगल वाला कहता है चुपचाप रहो, तो हम दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई किसी के दर्द को समझता नहीं है, किसी के दर्द को कोई नहीं समझ, खाली नाम ला इसी कहा गया है। ठीक है, इसी पर एक बात भी हम बोले थे कि बोला सच कहते हो यारो, नजाकत में नशा होता है मगर सादगी का भी एक अपना मजा होता है। सच कहते हो यारो, नजाकत में नशा होता है मगर सादगी का भी एक अपना मजा होता है। और इस दुनिया में कौन किसका दर्द समझता है, रेल का वजन तो केवल पटरी को ही पता होता है।